हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। सो फ्रेंड्स, आप सभी को पता हो कि वीवो कंपनी की एक्स सीरीज मार्केट में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर रहती है, क्योंकि दोस्तों वीवो कंपनी की एक्स सीरीज के अंदर आपको कंपनी ज्यादातर फ्लैगशिप स्मार्टफोन ही प्रोवाइड कराती है, जो कि बढ़िया फीचर्स के साथ आते हैं और इन सभी स्मार्टफोन का लुक और इनका डिजाइन भी बढ़िया होता है। तो दोस्तों, अब हाल ही में वीवो कंपनी के अपकमिंग स्मार्टफोन वीवो X80 स्मार्टफोन को लेकर कुछ लीक्स डिटेल सामने आई थी, लेकिन दोस्तों अब की बार वीवो कंपनी के X80 प्रो स्मार्टफोन को लेकर लगभग सभी कंफर्म स्पेसिफिकेशन और इस स्मार्टफोन की ऑफिशियली पिक्चर्स सामने आ चुकी है और इसके साथ ही स्मार्टफोन की लॉन्चिंग डेट भी सामने आ चुकी है। तो दोस्तों, वीवो कंपनी का यह एक बढ़िया और अच्छा पावरफुल फ्लैगशिप स्मार्टफोन होने वाला है। इसके अंदर आपको कंपनी अब की बार और भी जबरदस्त और पावरफुल फीचर्स प्रोवाइड कराने वाली है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम वीवो X80 प्रो स्मार्टफोन की फुल स्पेसिफिकेशन, इसके फीचर्स, इसके प्राइस और इसकी लॉन्चिंग डेट आदि के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि आप भी वीवो कंपनी के फैन हैं और आप एक पावरफुल फ्लैगशिप स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं, तो दोस्तों बने रहिए आप इस वीडियो में एंड तक। और यदि आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे इस स्मार्टफोन के लुक और इसके डिजाइन के साथ। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, वीवो कंपनी की एक्स सीरीज के अंदर आपको हर बार अलग अलग कैमरा डिजाइन के स्मार्टफोन देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, अब की बार भी इस स्मार्टफोन का लुक और इसका डिजाइन बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस स्मार्टफोन अंदर आपको सर्कल टाइप का कैमरा सेंसर देखने को मिलेगा, जिसमें आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। और इसके साथ ही दोस्तों, अगर इसके फ्रंट पैनल के बारे में बात करें, तो दोस्तों स्मार्टफोन में भी आपको वीवो X70 प्रो स्मार्टफोन की तरह ही कवर्ड डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जो कि सेंटर पंचोल कटआउट के साथ आएगी। तो दोस्तों, लुक और डिजाइन के मामले में स्मार्टफोन कंपनी का एक जबरदस्त स्मार्टफोन रहने वाला है। बाकी दोस्तों, अगर इसके फीचर्स के बारे में बात करें, तो दोस्तों स्मार्टफोन में आपको कंपनी 6.78 इंच की QHD डिस्प्ले प्रोवाइड कराने वाली है, जो कि सैमसंग की E5 कवर्ड एमोलेड डिस्प्ले होने वाली है और यह 1440x3200 पिक्सल के रिजोल्यूशन के साथ आएगी और इसका एस्पेक्ट रेशियो 20:9 होगा। और इसकी कॉर्निंग के ऊपर आपको गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा और इसके अंदर आपको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट मिलेगा। तो दोस्तों, डिस्प्ले के मामले में स्मार्टफोन बढ़िया रहेगा। इस स्मार्टफोन अंदर भी आपको अब की बार कंपनी सैमसंग की लेटेस्ट क्वालिटी की डिस्प्ले प्रोवाइड कराने वाली है, जिसके अंदर आपको बिल्कुल स्मूथ डिस्प्ले एक्सपीरियंस मिलेगा। और दोस्तों, अगर इसके कैमरा सेंसर के बारे में बात करें, तो दोस्तों स्मार्टफोन के बैक मिरर के ऊपर आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जिसमें आपको 50 मेगापिक्सल का इसका मेन प्राइमरी कैमरा सेंसर देखने को मिलेगा और इसके साथ इसके अंदर आपको 32 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, कैमरा के मामले में स्मार्टफोन जबरदस्त रहेगा, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि वीवो कंपनी की एक्स सीरीज अपने कैमरा सेंसर के लिए ही जानी जाती है, क्योंकि दोस्तों वीवो कंपनी की एक्स सीरीज के अंदर अब तक जितने स्मार्टफोन मार्केट में उतारे गए हैं, उनके अंदर आपको जबरदस्त कैमरा सेंसर देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, स्मार्टफोन अंदर भी आपको अब की बार और भी बढ़िया कैमरा सेंसर देखने को मिलेंगे। कंपनी भले ही इसके अंदर आपको 50 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर देने वाली, लेकिन दोस्तों इसका मेन कैमरा सोनी के IMX866 के कैमरा सेंसर के साथ आएगा। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि इसकी पिक्चर्स क्वालिटी कितनी एडवांस होने वाली है। वेरिएंट के बारे में बात करें, तो दोस्तों वीवो कंपनी अपने इस नए स्मार्टफोन को मार्केट में शायद 8 GB और 12 GB रैम के वेरिएंट में उतारेगी, जिनके साथ आपको 128 GB और 256 GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, मार्केट में यह स्मार्टफोन शायद आपको 2 वेरिएंट में देखने को मिलेगा। और दोस्तों, इसके प्रोसेसर के बारे में बात करें, तो दोस्तों स्मार्टफोन आपको अब की बार कंपनी मीडियाटेक का बढ़िया और अच्छा पावरफुल प्रोसेसर प्रोवाइड कराने वाली है। जी हाँ दोस्तों, स्मार्टफोन अंदर आपको कंपनी अब की बार ओक्टा कोर प्रोसेसर के साथ मीडियाटेक डायमेंसिटी 9000 का चिपसेट देने वाली है और यह मोबाइल एंड्रॉइड 12 ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर काम करेगा। और ग्राफिक के लिए इस मोबाइल के अंदर आपको माली G710 का GPU भी देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, स्मार्टफोन अंदर आपको कंपनी मीडियाटेक का अब तक का सबसे पावरफुल चिपसेट प्रोवाइड कराने वाली है, जिससे दोस्तों यह स्मार्टफोन आपको जबरदस्त परफॉर्मेंस देगा। बैटरी के बारे में बात करें, तो दोस्तों स्मार्टफोन अंदर आपको शायद कंपनी 80 वाट के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाली 5000 mAh की पावरफुल बैटरी प्रोवाइड कराने वाली है, लेकिन दोस्तों इसके अंदर आपको शायद वायरलेस फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट देखने को मिल सकता है, लेकिन इसके फास्ट चार्जर को लेकर ज्यादा जानकारी नहीं आई है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर देखा जाए, तो दोस्तों मार्केट में स्मार्टफोन कंपनी का एक अब तक का सबसे पावरफुल स्मार्टफोन होने वाला है। बाकी दोस्तों, अगर इसकी लॉन्चिंग डेट के बारे में बात करें, तो दोस्तों स्मार्टफोन को कंपनी आने वाली 25 अप्रैल को चाइनीज मार्केट में उतारने वाली है। तो दोस्तों, आपको स्मार्टफोन कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और यदि आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।